डार्क मैटर, ब्रह्मांड का छुपा सच। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों को समझने में विज्ञान ने काफी प्रगति की है, लेकिन अब भी ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में हमारी समझ अधूरी है। उनमें से एक सबसे बड़ा और गूढ़ रहस्य है डार्क मैटर। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही सीधे तौर पर माप सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लेख में हम डार्क मैटर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह ब्रह्मांड में कैसी भूमिका निभाता है। डार्क मैटर एक अज्ञात पदार्थ है जो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसका न तो प्रकाश से कोई संबंध है और न ही यह किसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होता है। यह पूरी तरह से अदृश्य होता है, लेकिन इसके प्रभाव को ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण द्वारा महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के लगभग 27% हिस्से में मौजूद है, जबकि सामान्य पदार्थ जैसे तारे, ग्रह और अन्य वस्तुएं केवल 5% हिस्सा बनाते हैं। शेष 68% ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी होती है, जो एक अलग प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा है। डार्क मैटर की अवधारणा सबसे पहले 1930 के दशक में स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी द्वारा दी गई थी। उन्होंने कॉमल क्लस्टर नामक आकाश गंगा समूह का अध्ययन करते हुए पाया कि समूह की आकाश गंगाएं जिस गति से घूम रही वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वहाँ कुछ अदृश्य पदार्थ है जो इस अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का कारण बन रहा है। यही अदृश्य पदार्थ आज डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए कई वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रमाण निम्नलिखित हैं। गैलेक्सियों का घूमना। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाश गंगाओं के बाहरी किनारे पर स्थित तारे उतनी ही तेजी से घूमते हैं जितनी तेजी से आकाश गंगा के मध्य भाग में स्थित तारे। लेकिन अगर केवल दृश्य पदार्थ जैसे तारे और गैस मौजूद होते तो बाहरी तारे धीमे घूमते। इसका मतलब है कि आकाश गंगा में अदृश्य डार्क मैटर का बड़ा हिस्सा मौजूद है जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, जब प्रकाश एक बहुत बड़े द्रव्यमान के पास से गुजरता है तो वह झुक जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहते हैं। कई बार वैज्ञानिकों ने देखा कि किसी गैलेक्सी के पीछे स्थित वस्तुओं का प्रकाश कुछ विचित्र तरीके से झुक रहा है, जो कि उस गैलेक्सी के दृश्य द्रव्यमान से संभव नहीं था। ये बताता है कि वहाँ डार्क मैटर भी मौजूद है जो प्रकाश को झुका रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुई प्रारंभिक ब्रह्मांड की प्रकाशिकी रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अध्ययन से भी डार्क मैटर के प्रमाण मिले हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देखे गए छोटे छोटे उतार चढ़ाव यह संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर मौजूद था, जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में संरचनाओं के विकास में मदद की। आकाश गंगा समूहों में उपस्थित द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण के आधार पर मापा गया है और यह दृश्य पदार्थ से अधिक पाया गया है। इसका मतलब है कि समूहों में डार्क मैटर भी मौजूद है जो अतिरिक्त द्रव्यमान प्रदान कर रहा है। हालांकि डार्क मैटर को सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, वैज्ञानिकों ने इसके कुछ संभावित गुणों को पहचाना है। गुरुत्वाकर्षण बल डार्क मैटर का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। यह पदार्थ अन्य वस्तुओं के साथ गुरुत्वाकर्षण से अंतःक्रिया करता है, जिससे उसकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। डार्क मैटर न तो विद्युत चुंबकीय बल से प्रभावित होता है और न ही यह प्रकाश या अन्य प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। इस कारण से यह अदृश्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर ठंडा होता है, जिसका मतलब है कि इसकी गति धीमी होती है। यही वजह है कि यह आकाश गंगाओं और अन्य संरचनाओं के निर्माण में मदद करता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि डार्क मैटर किस प्रकार का पदार्थ है। हालांकि कई संभावित कणों के बारे में अनुमान लगाया गया है। विम्स यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे संभावित डार्क मैटर कण है। विम्स ऐसे कण होते हैं जो केवल कमजोर अंतःक्रियाओं और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अंतःक्रिया करते हैं। इनका द्रव्यमान बड़ा होता है, लेकिन वे अन्य कणों के साथ बहुत कम अंतःक्रिया करते हैं। एक्सियोनन यह एक हल्के कण होते हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ बहुत कमजोर अंतःक्रिया करते हैं। इन्हें डार्क मैटर का संभावित उम्मीदवार माना गया है।